नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कौशिक ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इसके पहले की कक्षाओं में मैंने महाकाव्य पर चर्चा की थी, इसमें एक महाकाव्य मैंने रामायण के बारे में बताया था। आज हम लोग दूसरे महाकाव्य महाभारत पे चर्चा करने वाले हैं, तो आइए हम चर्चा करते हैं। महाभारत महाभारत ग्रंथ रचना वेद व्यास जी ने की है। महाभारत ग्रंथ रचना वेद व्यास जी ने की है। महाभारत का जो दूसरा नाम है वो नाम है सप्त सहस्त्र संहिता। महाभारत को हम सप्त सहस्त्र संहिता क्यों कहते हैं, इसके लिए हम बता रहे हैं आपको कि इसलिए इसको सप्त सहस्त्र संहिता कहते हैं क्योंकि सप्त मतलब सौ, सहस्त्र मतलब हजार, सौ हजार मतलब एक लाख। महाभारत में कुल एक लाख श्लोक हैं, इसलिए महाभारत का दूसरा नाम सप्त सहस्त्र संहिता है। महाभारत जो है वह कुल 18 पर्वों में बटा हुआ है। महाभारत जो है वो कुल 18 पर्वों में बटा हुआ है, क्योंकि जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था वो कुल 18 दिन तक चला था, और हर एक दिन को हर एक पर्व में महाभारत में लिखा गया है। इसका जो छठा पर्व है वो है भीष्म पर्व। इसका जो छठा पर्व है महाभारत के 18 पर्वों में से जो छठा पर्व है उस पर्व का नाम है भीष्म पर्व, और यहीं पे हमें भागवत गीता के बारे में जानकारी मिलती है। भीष्म पर्व से ही हमें भागवत गीता के बारे में जानकारी मिलती है, और भागवत गीता में कुल 7000 श्लोक हैं। भागवत गीता में कुल 7000 श्लोक हैं। महाभारत में आप जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई कौरवों और पांडवों के बीच हुई थी, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो कौरवों का भाई होते हुए भी वो पांडवों की तरफ से लड़ा था, और वो दुर्योधन का भाई था जिसका नाम था युयुत्स। युयुत्स जो था ये दुर्योधन का भाई था, उसके 100 भाइयों में युयुत्स का एक भाई था, लेकिन इस युद्ध में वो पांडवों के साथ था, कौरवों के विपरीत इसने महाभारत युद्ध में हिस्सा लिया था। तो इस प्रकार से आपको अगर हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो इस तरह की जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप यदि इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।